हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 5.2। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके थे। हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है 5-7 को बताएंगे। इसमें कुछ टाइप के क्वेश्चन आपको हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन किस टाइप की आपको इसमें एनएस टर्मो पेपर में मिलेगा, उस टाइप को हम डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। और आपको वन बाई वन करके हम क्वेश्चन को आपको बता देते हैं। पहला तो आपको जो मिलेगा आपको मिलेगा कैसा कि चेक करना है कि वो नंबर में है कि नहीं। जैसे क्वेश्चन आप देखें 6 नंबर, वो 6 नंबर से क्लियर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है लिखा हुआ चेक वेदर, ठीक है, ये लिखा हुआ चेक वेदर, ये आपको चेक करना है कि -150 चेक वेदर, -150 इज ए टर्म ऑफ, -150 इज ए टर्म ऑफ एपी। एपी का दिया हुआ यहाँ पे वो है 11852, यस 11, ठीक है, 852 ये दिया हुआ है, ठीक है। आप इस चीज़ को समझेंगे यहाँ तो आपके पास जो एपी दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। यहाँ से आपका जो कॉमन डिफरेंस होगा अब ये होगा, और ये जो एन हो डी होगा वो डी इक्वल टू क्या होगा, 8 - 11 मीन्स क्या होगा, -3। अब यहाँ पे चेक करना है कि -150 जो है इज ए टर्म ऑफ ए पी है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से जो an इक्वल्स टू क्या होगा, a + n - 1 इंटू क्या होगा, d होगा। यहाँ से अब पुट करेंगे यहाँ पे n इक्वल्स टू, a का वैल्यू कितना 11 है, n का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो और d का वैल्यू कितना -3, ठीक है। अब an का वैल्यू पुट करेंगे हमको, तो चेक जब करना है इसको पुट कर देंगे तो 11 + n - 1 इंटू क्या होगा, -3। आप इसको इधर ले आए तो ये क्या होगा, -150 - 11 = n - 1 - -3, तो ये जो होगा वो क्या होगा, -161, और ये आएगा 1 - n - 1 - -3। तो ये वैल्यू जो निकल के आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे n - 1 = क्या आ जाएगा, -161 / -3, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से n इक्वल्स टू क्या होगा, 161 + 3 + 1, तो यहाँ से एलसीएम ले लें आप, तो वह एलसीएम लेंगे 164/3। तो आपको पता होगा एपी में जो एन जो होता है, एक एन जो है आपका वो आपका रियल नंबर आपको, ये एन जो होगा एक आपका नेचुरल नंबर होता है, एन जो है वो एक नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, एन इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बट यहाँ पे एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकेंगे ये जो एपी, ये जो है -150 से एपी का टर्म्स नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब ये दूसरा कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यू एन का हमेशा आना चाहिए, वो नेचुरल नंबर आना चाहिए, तभी ये आपका होगा, ये एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कि फाइंड 31 टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है, फाइंड 31 टर्म्स ऑफ एपी। सर यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लेट ए एंड डी बी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ई पी, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग क्या दिया हुआ है, हम लोग को 11 टर्म 38 दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं a11 = 38, ठीक है। तो a11 का मतलब क्या होगा, a प्लस कितना होगा, 10d = क्या होगा, 38, ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा। आप नेक्स्ट देखें 11 टर्म कितना है इसका, सॉरी 16 टर्म 73 है, 16 टर्म जो है 73 लिखेंगे, यहाँ पे a प्लस कितना होगा, 15 = क्या होगा, 73, ये क्वेश्चन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करें यहाँ, तो दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, देखें यहाँ ये वैल्यू है आपका, ये इक्वल टू 10d है, इक्वल टू कितना है, 38 है, ठीक है। ये आपका ये माइनस होगा, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल होगा, ये 5d हो जाएगा, ये होगा क्या, 13 - 5 और 6 - 3 क्या होगा, 4, ये कट जाएगा आपका। सो डी इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया। और फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन में क्या दिया हुआ आपका, देखेंगे ए प्लस 10d इक्वल टू 38, तो यहाँ पे ए प्लस 10 × 9 इक्वल्स टू क्या होगा, 38, और ये जो 38 होगा, हम लोग डी का वैल्यू 9 निकाले हैं, तो ए इक्वल्स टू कितना होगा, 38 - 90, तो 38 में 90 को घटाएंगे तो आप देखें कितना होगा, 38, ये आपका 2 और यहाँ 6, यहाँ पे बचा 8, यहाँ पे मतलब कितना हो गया, -52 आ गया, ठीक है। आपका यहाँ पे 52 टर्म आपको जो आ गया, ये
आप यहाँ से आपको ये चीज देखेंगे, ठीक है, ये जो आपको क्लियर हो गया, ए प्लस टेन डी 38 दिया हुआ है, 11 टर्म 38, 16 टर्म यस, 15 को यहाँ पे, 15 में 10 5 हो गया, 73 में 8 को घटाएंगे तो इक्वल्स टू 9 होगा, और ए प्लस टेन डी ओके, तो यहाँ से जो है डी ए इक्वल्स टू कितना आ गया, -52 आ गया, और ए -52 आ गया। अब हम लोग को निकालना 31 टर्म, तो आप देखिए 31 टर्म क्या हो जाएगा इसका, 31 टर्म जो है आप यहाँ निकाल देते हैं, 31 टर्म्स जो होगा वो क्या होगा, तो 31 टर्म में जो आपका होगा 31 टर्म्स में होगा ए प्लस क्या होगा 30 डी। ए का वैल्यू कितना निकाल के रखे हैं आप देखें, ए का वैल्यू जो निकाल के रखे हैं कितना है, -52 है, ठीक है, और डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 9 है, तो ये आपका -52 और ये होगा 20, ये होगा, अब इसको घटा दें 270 में 52 को घटाएंगे तो ये आपका 8 होगा, यहाँ पे 6 से 5 1 होगा, तो ये क्या होगा 218 होगा, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। इस तरह करके आप इसको बनाएंगे, ठीक है, 100 देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, ठीक है, ये निकालना है आपको, लिखा हुआ है दो एपी दिया हुआ है, ठीक है, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सबका सेम है, और दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, और दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखे हैं पहला एपी लिखे थे यहाँ पे, तो पहला एपी तो यहाँ ले लिए आपका, यहाँ पे ले लेते हैं ए, फिर क्या ए प्लस डी कॉमन डिफरेंस सेम है, ए प्लस टू डी डॉट 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 डी फाइव, पहला एपी। सेकेंड एपी जो है ये आपका एपी वन है, एपी टू में क्या होगा, ए प्लस डी, ठीक है, दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए यहाँ पे लिए टू डी, ये आपका एपी टू है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि दोनों में जो है 100 टर्म का डिफरेंस, मतलब ए 100 माइनस ए स्मॉल 100 इक्वल्स टू दिया हुआ है 100, तो पता होगा ए 100 इक्वल्स टू क्या होगा, ए प्लस 99 डी, और यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस 99 डी इक्वल्स टू क्या होगा 100, तो यहाँ पे ए प्लस क्या होगा 99 डी माइनस ए माइनस 99 डी इक्वल्स टू क्या होगा 100, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ए माइनस ए का स्मॉल इक्वल्स टू क्या आ गया 100, ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या आ गया ओपन। अब हम लोग को चाहिए क्या, 1000 टर्म का क्या आ जाएगा, तो 1000 टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, निकालना है ये ए 1000 माइनस ए स्मॉल, ये दोनों ए पी का निकाल, इसका आपको पता होगा ए प्लस क्या होगा, ए प्लस 99 होगा डी, और इसका होगा ए प्लस 99 डी होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखें यहाँ पे, ये आपका आ जाएगा ए प्लस 99 डी माइनस ए माइनस 99 डी, ठीक है, 99 ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया ए माइनस ए, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, आप लिख दें फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन वन, तो ये डिफरेंस कितना आएगा, आप कोई भी टर्म्स का ए पी आप 10 टर्म का अगर डिफरेंस 8 है तो आपका 1000 लाख सारे का डिफरेंस उतना ही आएगा, उसमें चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है, तो ये अलग टाइप के क्वेश्चन था, हम इसको आपको डिस्कस किए। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है, हम आपको एक क्वेश्चन और डिस्कस कर देते हैं, वो क्वेश्चन जो है आपका ऐसा 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, और उसके बाद हम डिजिट वाला क्वेश्चन आपको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में यह क्या, फाइंड द 20th टर्म, फाइंड 20th टर्म, ठीक है, फाइंड 20th टर्म From the last of AP, from the last of AP, AP का जो वैल्यू दिया हुआ है, AP का जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या है, ये है 3813 अप टू कितना 253, आपको ये निकालना है, ठीक है, लास्ट टर्म मतलब पीछे से निकालना है, तो आपको यहाँ पे देखें ए पी इक्वल टू दिया हुआ है क्या है, 3 है 8 है 13 है अप टू 253, ए का इक्वल टू कितना है 3 है, डी इक्वल टू कितना होगा 8 माइनस 3 दैट इज द 5, ये आपका एन है, ठीक है, ए एन है, ए एन पहले निकालेंगे, ए एन इक्वल टू कितना टोटल नंबर टॉप टर्म्स निकाल देंगे पहले, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या होगा 253, सो ए का वैल्यू कितना है, देखें यहाँ पे इक्वल टू 3 है, और एन माइनस 1, एन माइनस 1 का मतलब कितना, आप देखें एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एन का वैल्यू 5 करना है, डी का वैल्यू दिए हम लोगों को दिया हुआ है, डी का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे 253, तो यहाँ पे एन माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 253 माइनस 3, तो जैसे इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 250 आएगा,
और ये कट जाएगा कितना टाइम पे, ये 5 से कटेगा कितना होगा 50 होगा। सो एन इक्वल्स टू क्या होगा 50 + 1, तो क्या होगा 51। ये निकल गया एन का वैल्यू। आपको क्या निकालना है, आपको लास्ट टर्म निकालना है, ठीक है। लास्ट टर्म से निकालना है आपको कितना निकालना है, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ से जो है आपको फॉर्मूला आपका यहाँ से यूज होगा, ये nth टर्म फ्रॉम इंड, ठीक है, nth टर्म फ्रॉम इंड, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्मूला आपका यूज होगा, वो क्या होगा, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो nth टर्म कितना है, देखिए तो 20th टर्म निकालना है इंड से। तो एन का वैल्यू तो कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 253 है, ये आपका एल है। और एन का वैल्यू कितना है, 20 - 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है आप देखें, डी का वैल्यू जो है वो क्या है, सॉरी ये आपका एल लास्ट टर्म दिया हुआ है ना, लास्ट टर्म जो है आप यहाँ पे समझेंगे कितना आएगा। यहाँ पे जो है एन का वैल्यू तो मेरे पास आ गया, एन का वैल्यू जो है आपका 20 दिया हुआ है, लास्ट टर्म जो है, सॉरी ये तो आप डायरेक्ट बना सकते थे इसको, ठीक है। लास्ट टर्म का फॉर वैल्यू पुट करेंगे 253 माइनस एन माइनस वन, एन माइनस वन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू 21 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का इक्वल टू देखें यहाँ 5 है, ठीक है। तो ये जो होगा वो क्या होगा, 253 माइनस 19 इंटू 5, तो ये होगा 253 माइनस 95। तो इसको घटाएंगे आप 253 में 95 घटाएंगे, तो 13 में 5 होगा 8 होगा, और यहाँ पे होगा क्या 24, यानी 14 होगा 9, ये 5 होगा और ये आपका 1 होगा, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, 158 होगा, ठीक है। तो यहाँ से फाइंड 20 टर्म ऑफ द फ्रॉम द लास्ट टर्म एंड इसमें क्वेश्चन एक जोड़ देते हैं, एंड फाइंड टोटल टर्म्स, ठीक है, टोटल टर्म्स। तो ये टोटल टर्म्स का फॉर्मूला आप सुनिए, टोटल टर्म कितना है इसमें, 51 है। एक क्वेश्चन हम और ऐड कर दिए आपको, क्योंकि ये जो है डायरेक्ट फॉर्मूला से बना सकते थे, हम एक और क्वेश्चन ऐड करके आपको ये बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर, ठीक है, थ्री डिजिट नंबर इज आर डिविजिबल बाय, आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो थ्री डिजिट नंबर स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 7 से कटने वाला, तो आप समझे कहाँ से होगा, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 105 से होगा। फिर क्या होगा, 112, लास्ट में आप देखें क्या होगा, लास्ट में 994 होगा, ठीक है। इसके बाद फोर डिजिट होगा, 7 - 7 होगा, 7 + 8 ये होगा, ठीक है। आप यहाँ से देख लें, यहाँ पे एक्वल्स टू 105 है, डी इक्वल्स टू क्या है, 112 - 105, तो ये 7 होगा। सो एन इक्वल्स टू क्या है, 994 दिया हुआ है। तो यहाँ से एन का फॉर्मूला बैठाएं आप, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा, ये 994 है। ए का वैल्यू कितना है, 105 है, एन का वैल्यू फाइंड करना है, डी का वैल्यू कितना है देखिए आप, 7 इक्वल्स टू क्या है, 994। सो एन माइनस वन इंटू 7 इक्वल्स टू 994 माइनस 105। तो आप इसको घटाएंगे आप कितना होगा, देखिए घटा के इसको जब घटाएंगे आप, तो ये आपका 14 हो जाएगा, 14 में 5 जाएगा 9 होगा, ये आपका 8 होगा यहाँ, और ये आपका 8 होगा। सो एन माइनस वन इक्वल टू होगा 889 / 7, तो 7 × 7 यहाँ पे आ गया आपका कितना, 1, ठीक है। 7 + 7 = 24, 14, यहाँ पे 4, 7 × 7 से ये होगा, तो एन इक्वल टू क्या होगा, 127 + 1 = 128। तो इस तरह करके क्वेश्चन आपका आपको मिल सकता है। आप इस तरह के क्वेश्चन को आप बना लें आप, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। जैसे आपको एक क्वेश्चन चौथे भी बताते हैं, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ फोर लाई बिटवीन 10 and 250। आप देखें यहाँ पे कितना इसका मल्टीपल होगा, सबसे पहला तो मल्टीपल कितना होगा, 10 के बाद देखें तो 12 है, फिर 16 होगा, लास्ट में क्या होगा, इसके बीच में बोला 250 नहीं लेना है, क्या होगा, 248 होगा। सो ए इक्वल्स टू क्या होगा, 12 होगा, डी इक्वल्स टू होगा 16 - 12, दैट इज द 4। और सो एन इक्वल्स टू कितना होगा, आपको एन एन इक्वल्स टू दिया होगा, एन इक्वल्स टू होगा 248। सो एन का वैल्यू पुट करेंगे आप, तो ये आपका 248 होगा। ए का वैल्यू कितना है, 12 है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है, 4 है, तो ये 248 होगा। और ये जो होगा एन माइनस वन इंटू
फोर इक्वल्स टू 248 माइनस 12, तो ये आपका आ जाएगा एन माइनस वन इंटू फोर इक्वल्स टू, ये 6 होगा और ये होगा 23। इसको कटाएं आप, जब इसको कटाएंगे 4 5 20 और यहाँ 3 होगा 9 होगा, सो एन इक्वल्स टू होगा 59 + 1 दैट इज़ द 60। तो इसी तरह के सारे क्वेश्चन को आप बना लेंगे, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही आपका एग्जाम्पल का, हर टाइप के क्वेश्चन आपको हमसे बता दिए यहाँ पे, तो अब इस तरह के क्वेश्चन को आप इसको बनाएंगे। ओके, थैंक यू।